गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं मंडली। आज का ये जो वीडियो है ये कुछ अलग ही लाया हूँ मैं आप सबके लिए। परसों मॉर्निंग में अपना बिजनेस करते करते मुझे ये आइडिया आया, एंड वो टाइम पे जो भी आइडिया आता है ना गाइस वो हमेशा बेस्ट रहता है, फाड़ू वाला आइडिया रहता है। तो मुझे ये आइडिया आया कि यार ऐसा कुछ वीडियो बनाया जाए आप सबके लिए, एंड उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप ये वीडियो में देख सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग कुछ अलग ही करने वाले हैं। क्या बोलते हो मोहिन भाई? जी भाई, एकदम पूरा अलग सेटअप है आज। आज मैं अपने भाई के साथ हूँ वैगन आर में, मतलब ओला चला रहा हूँ मैं आज। आज का दिन ओला रहेगा। एक्चुअली भाई जो है मोहिन भाई, आपका नाम बताओ ना पूरा। मेरा नाम मोहिन है, मोहिन शेख। हाँ। मैं कल्याण से हूँ और मैं अजिंक्य भाई की गाड़ी चलाता हूँ। अरे गाड़ी यस गाड़ी मतलब एज ए मेरे ड्राइवर है, लेकिन इनको कभी मैंने एज ए ड्राइवर ट्रीट नहीं किया, हमेशा मेरे भाई की तरह ही मैं इनको ट्रीट करता हूँ। एंड आज सोचा कि यार थोड़ा कुछ अलग करते हैं, आप लोगों के लिए अलग कोई वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए आज मैं ड्राइवर रहूँगा और मोहिन भाई मेरी सवारी। हाँ तो भैया हो गई है शुरू अपनी सफ़र। ये ट्रैफिक का जो लफड़ा है ना, अरे वाह, अभी डाल रहे हैं आपसे डर के डाल रहे हैं सीट बेल्ट। नहीं अभी याद आया मुझे। अच्छा तो जो सीन रहता है मुंबई का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का, वो अभी स्टार्ट हो गया है। फिलहाल हम हैं कहाँ पे मोहिन भाई? डोंबिवली पलावा में। पकड़ो, निकला गियर निकला। जी ऐसा दिन भर में यार इतने ट्रैफिक में कैसे कर लेते हो भाई? अभी क्या करेंगे भाई, बॉम्बे है तो ट्रैफिक तो होना ही होना है। फिर भी एरिया में ट्रैफिक कम है, अगर आप प्रॉपर बॉम्बे में चले जाते हो तो इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। अभी जाएंगे आगे जाएंगे अपन प्रॉपर बॉम्बे में भी। तो मोहिन भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको कितना है वैसे दिन भर में कितना हो जाता है अपना किलोमीटर? किलोमीटर मैंने ऐसा अंदाजा लगाया है तो 220 से लेके 250 किलोमीटर डेली मेरा हो ही जा रहा है रनिंग, वो भी सिटी के अंदर, वो भी इतना ट्रैफिक के अंदर। हाँ अभी इतना ट्रैफिक। मैं अभी मॉर्निंग में 8 बजे गाड़ी निकालता हूँ, रात में 10 बजे तक। बाप रे, 14 घंटा मैं डेली गाड़ी चला रहा हूँ। अभी मोहिन भाई के पास ही गाड़ी रहती है, मोहिन भाई सब कुछ देखते हैं, मतलब होल एंड सोल सब कुछ ये गाड़ी के मोहिन भाई है। एंड अभी हम लोग थोड़ा अच्छे रोड पे लग गए हैं। अभी फिलहाल हम लोग वाशी में हैं। वाशी में एक छोटा सा मेरा बॉक्स है, उसको लेने जा रहा हूँ अनिश भाई के यहाँ पे। नहीं दोस्त के गाड़ी गए। हाँ अभी तक तो डे बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना ये बहुत छोटा गाड़ी है, मतलब आप जैसे रिक्शा वाला कैसे किधर से भी निकाल लेता है ट्रैफिक में से, वैसा मैं इसको किधर से भी निकाल पा रहा हूँ, तो मज़ा आ रही है फिलहाल। तो अभी जाना है जुहू। ठीक है। मोहिन भाई कैसा लगा मेरा ड्राइविंग? अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। आपके आप चलाएंगे तो एवरेज बहुत ज़्यादा मिलेगा गाड़ी। आई जो अभी मेरे को चलाना पड़ेगा। बताओ यार कैसे कस्टमर मिलते हैं आपको? अभी जो लड़की का स्टोरी बता रहे थे वो बताओ ना इनको। उसने ये पिछले हफ्ते की बात, एक लड़की थी मीरा भाईंदर से, उसको जाना था कल्याण। रास्ते में आते आते थाना के पहले काशीमीरा के पास उसके बॉयफ्रेंड से बात करते तो अचानक लड़ाई हो गई दोनों की। तो उसको बोलती है कि मैं मर जाऊंगी। मेरे को बोलती है कि भैया मेरे को तुम खाड़ी के पास उतार दो। मतलब सुनसान खाड़ी है भाई, वहाँ पे कोई भी नहीं है। जो काशीमीरा से थाना के बीच में खाड़ी आती है ना, मुझे बोलती है वहाँ उतार दो बोलते हैं। लड़के को बोल रही थी मैं मर जाती हूँ। मैं बोला मैडम मैं तो आपको उतारने नहीं वाला। मैंने उसको बोला मैं आपको यहाँ नहीं उतारूंगा, मैं आपको थाना सिटी में उतार सकता हूँ, मैं नहीं उतार सकता। मैंने उसको उतारा नहीं, और गाड़ी बल्कि फास्ट चला के उसको थाना सिटी में ला के रोका। मैंने बोला यहाँ उतरना है तो यहाँ उतर जाओ। रास्ते में कुछ कर ली उसने तो मैं आखिरी बार तो मेरी आखिरी बार मोहिन की गाड़ी में बैठी थी। मोहिन ने कुछ तो उसके साथ गलत किया। इसके लिए ऐसे बहुत मिल जाते हैं भाई, ऐसे बहुत मिल जाते हैं, यहाँ उतार दो वहाँ उतार दो, सुनसान एरिया। मैं कभी नहीं उतरता था, मैं बोलता नहीं भाई। ऑलमोस्ट लड़की लोग रहते उनको तो नहीं उतारता वहाँ भाई। कोई ऐसा कोई कैमरा रहे, कोई सोसाइटी रहे ना, उसके सामने छोड़ना अपने लिए सेफ्टी रहती है। हाँ बराबर, मतलब उसके कैमरे में अपना दिखाई देगा कि हाँ बाबा इसने छोड़ा है। तो किसी मतलब ऐसे एरिया में कोई हमको देखे उतारते हुए, हाँ हमने उतारा उसको पैसा दिया ऐसा। बराबर यार, नहीं सच में मतलब गाड़ी में अगर कोई लड़की आ जाती है तो वो सारा डिफिकल्टी काम है। हाँ दो दिन पहले मेरे को एक कस्टमर मिला, ठीक
है लड़का, दो लड़की लोग थे फिनिक्स का कुर्ला है ना उधर से बैठे भाई, एक लड़की का ड्रॉप था मुमरा का और दूसरी का था ठाना का। गाड़ी में दोनों किस कर रहे थे, लड़की 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 अरे पॉइंट में मजा कर दो यार आप तो गाड़ी में। अभी मैं उनको मना भी नहीं कर सकता ना, लड़का लड़की होते तो मैं बोल सकता था लड़के को के भाई ऐसा मत कह, ऐसा अलाउड नहीं है। अब लड़की लड़की को मैं क्या बोलूंगा भाई, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। बस ये अभी मैं जितना हो सके कि पब्लिक के बीच में गाड़ी चला रहा था, लोगों को देख के नहीं, और बहुत से लोगों ने उनको देखे भी ऐसा करते हुए ऐसा गले मिल रहे हैं, इधर उधर मुंह डाल रहे हैं, किस ले रहे हैं, अरे क्या है, मैं बोला कसम से। किधर है अपन? अभी हम लोग साइन ब्रिज के पास है। हाँ। हम लोग साइन स्टेशन के सामने से जाएंगे। अच्छा। फुल ट्रैफिक जाम है अभी देखो बाहर। अरे हाँ, बहुत बहुत ज्यादा गंदा वाला ट्रैफिक है भाई। हाँ, इसीलिए मॉर्निंग के टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पर डेली रहता ही है। अच्छा ओके, तो अभी इधर कितना और यू टर्न लेने तक, राइट जाने तक? राइट जाने, सिंगल से हम राइट लेंगे तो हल्का हल्का ट्रैफिक रहेगा। फिर हम लोग अभी फिर धारावी के अंदर से हम लोग वहाँ निकलेंगे बीकेसी के पास। धारावी में भी ट्रैफिक रहेगा ना गंदा वाला एकदम? वहाँ भी रोड का काम चालू है ना, इसीलिए वहाँ पे ट्रैफिक। अरे यार मेट्रो की वजह से साला सब कुछ खोद के रखा है यार, बनने के बाद अच्छा हो जाएगा ना भाई। अरे बनने के बाद अपना ओला चलेगा क्या? ये एक बात पॉइंट है ना क्योंकि इधर मेट्रो मिल गया, लोग बिना ट्रैफिक के फटाफट निकल जाएंगे यार। हाँ वो है, मगर जिसको गाड़ी की आदत हो चुकी है, जिसको आदत हो चुकी है और जिसको मतलब कंपनी से पैसा ही मिलता है गाड़ी का, भाई गाड़ी यूज करो, तो वो तो ओला यूज करने वाला। अभी ओला अभी देखा है तो मेट्रो चलती तो है ना अंधेरी से लेके वहां तक वर्सोवा तक, और फिर भी जो करने वाले करते, बाकी जिसको गाड़ी में जाना हो गाड़ी में जाता है अभी। बराबर है, लेकिन देखो यार बहुत गंदा ट्रैफिक है, ये देख लो मतलब पूरा लोग सीधा खड़े है भाई खड़े, ये देखो कितना ट्रैफिक है, ये मेरा पीछे भी देख लो मतलब पूरा 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 पैक लगा पड़ा है। और मोइन भाई रोज रोज ऐसे ट्रैफिक में फंसते हैं, रोज सोचने वाली बात है यार कितना पेशेंट रहेगा भाई मैं। तो अभी फिलहाल मैं और मोइन भाई आ गए हैं HDD कस्टम। मन भाई वैसे तो बहुत बिजी आदमी है, अभी आज अपन सरप्राइज देने जा रहे हैं, उसको पता नहीं कि मैं आने वाला हूँ। क्या बनवले बे चल एक राहुल मारतो जर बघत ओ हाइट जो मा एक नंबर सेटअप आहे, चालू नाही ना भाई, ना नको बाहेर नको, हेल्मेट नाही घातले, हेल्मेट नाही घातले स्टँडवरती गिरायचं। मोहन भाई कशी लागली गाडी? गाडी तर एक नंबर बनली गाडी ना, फ्लॅमर गाडी आहे, बना रहे उसको क्लॅम्प बना रहे, टाइप ऑफ 790 बस 390। अच्छा ओके, 390 एडवेंचर। तो अगर आपको ये गाड़ी का स्पेशल वीडियो चाहिए तो हेमंत को बोलो कि मेरे को रिकॉर्ड करना है, हेमंत मेरे को नहीं बोलो, कर लो कर लो पहले मैं अपलोड करूंगा फिर तो अपलोड कर लूंगा। हां बाद में तो ये वीडियो आएगा, बट बाद में आएगा, बाद में आएगा। सो दोस्तों अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ उबर के ऑफिस, ये है फिनिक्स मॉल में। फिनिक्स मॉल में उबर का मेन ऑफिस है और यहाँ पे मैं अभी आया हूँ। एक्चुअली ये जो गाड़ी है मेरी वैगनआर, जो मेरा ड्राइवर है वो बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार अजिंक्य भाई अपन है ना आउट स्टेशन ऑन करके लेते हैं, सो दैट अपना जो आउट स्टेशन का भाड़ा है वो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो फाइनली आज मेरे पास टाइम था तो यू नो वो काम भी हो गया है, तो अभी मोइन भाई को मैंने आउट स्टेशन भी ऑन करके दिया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे है जो गाड़ी को ब्रांडिंग होती है, यू नो गाड़ी को जो बाहर से स्टिकर लगता है किसी ब्रांड का या फिर अंदर पेटीएम के स्टिकर लगते हैं, तो उसका ये एक हब टाइप है, तो उसका भी कुछ प्रमोशनल चार्जेस रहते हैं जो कि हमें मिलते हैं हम ऑपरेटर लोगों को, तो हम लोग उसको अभी लगाने के लिए मोइन भाई गए हैं, गाड़ी लेके आएंगे एंड फिर उसके बाद अपन उसको स्टिकर लगाएंगे अपने गाड़ी के ऊपर। फाइनली
फाइनली एडवर्टाइज लग गया है आउटडोर जो है, मतलब इंटरसिटी मुंबई पुणे जो ट्रैवल है उसका भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मतलब जो काम है ओला रिलेटेड वो मेरे अभी हो गए हैं। एंड नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स होम। मोइन भाई फोन पे। गाइस पूरा डे गाड़ी चलाने के बाद एंड बहुत सारे जो मेरे काम थे वो करने के बाद मैं फाइनली घर पे आ गया हूँ। वीडियो को एडिट कर रहा था, बहुत सही लगा मुझे वीडियो। थैंक यू सो मच, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, टिल द एंड देखा है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अगर आपको लगता है कि यू नो मेरा ये जो चैनल है आपको पसंद आ रहा है, मेरा चैनल जो है वो एक्चुअली ट्रैवल रिलेटेड चैनल है जिसके ऊपर मैं अपने बाइक के ऊपर ऑलमोस्ट इंडिया घूमते रहता हूँ। बट ये जो है ये फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि ट्राई करना चाहिए, लेट्स गिव इट अ शॉट, तो मैंने ये सब किया। मैं आप सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाइए मेरे चैनल पे, सब मेरे कंटेंट देखिए, मेरी प्लेलिस्ट देखिए, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। राइड सेफ, ड्राइव सेफ। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।